नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के प्रिय रत्न ओपल के विषय में। ओपल रत्न जीवन में बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है। वैवाहिक जीवन में सद्भाव बना रहे, संतुलन बना रहे, चेहरे में खूबसूरती लंबे समय तक बनी रहे और प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति के लिए ओपल पहना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओपल रत्न किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा करता है, कौन कौन से व्यापार करने वाले लोगों को ओपल पहनना चाहिए और कौन कौन सी राशि और लगन ऐसे हैं जिनका ओपल राजयोग बनाता है, ओपल पहनते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ओपल धारण करने की विधि, इसके लाभ और पहचान, संपूर्ण विषय में विस्तार पूर्वक आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या दोस्तों आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है, आप हमारी सेवाएँ ले सकते हैं। दोस्तों, समस्त प्रकार के पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अपनी रंग बिरंगी छटा के कारण ओपल देखने में बहुत प्यारा और बहुत मनमोहक पत्थर है। इसकी फायरिंग इसमें जितनी ज्यादा होगी, ओपल रत्न जो है वो फुल जड़ी की तरह चमकता है, तो इसकी फायरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ओपल कीमती हो जाता है। दोस्तों, जिन लोगों का व्यवसाय स्त्रियों से संबंधित है, स्त्रियों के साज सज्जा का सामान, श्रृंगार सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्त्रियों के कपड़ों की दुकान, बुटीक वगैरह, उनको ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग दूध का व्यवसाय करते हैं या पशुओं की खरीद बेच करते हैं, जिनकी डेयरी है अपनी, उनको भी ओपल पहनना चाहिए। दूध से बने हुए समस्त पदार्थ, जैसे खोया है, पनीर है, मिठाइयाँ हैं बहुत सारी मावे की, तो जो लोग इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं उनको भी ओपल पहनना चाहिए, क्योंकि उनका काम भी शुक्र से संबंधित है। दोस्तों, जो लोग मंत्री पद पर हैं, जो सलाहकार हैं किसी के, उनको ओपल पहनना चाहिए। तंत्र साधना में जो लोग रुचि रखते हैं और तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं, तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको भी ओपल धारण करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी राशि वाले जातकों को ओपल फायदा करता है। वृषभ राशि में शुक्रदेव पहले और छठे घर के स्वामी होते हैं, तो आपको ओपल राजयोग बनाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक संतुलन आपका बैलेंस में रहेगा और आपके कैरियर में ओपल फायदा करेगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से शुक्रदेव पाँचवें और बारहवें घर के स्वामी होते हैं, तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा योग कारक होता है। ओपल पहनने से आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, यंत्र मंत्र तंत्र विद्या बुद्धि और लंबी यात्राओं से धन प्राप्ति का योग बनेगा। तीसरी राशि है यहाँ पर कर्क राशि। कर्क राशि से शुक्र अत्यधिक राजयोग कारक हो जाते हैं, कर्क राशि एवं कर्क लगन वाले जातकों को भी ओपल पहनना चाहिए। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह कन्या तुला आपके तीसरे और वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष वृष तीसरे और दसवें घर के स्वामी आपके लगन में, आपकी राशि में शुक्र हो जाते हैं, तो यदि आपका काम मंदा चलता है और आप काम मेहनत से नहीं कर पाते, आपको जीवन में आलस्य छाया रहता है, तो आपको ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए। ओपल पहनने से आपका काम बढ़ेगा और आपका जो काम करने का तरीका है बदल जाएगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। दिल आपका कमजोर है तो ओपल पहनने से आपका दिल मजबूत होगा। दोस्तों, अब अगली राशि बनती है हमारे पास में तुला राशि। तुला राशि से शुक्र पहले स्थान के स्वामी होते हैं, तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष वृष पहले और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी शुक्र बहुत बढ़िया हैं, आपका भी ओपल आपको लाभ करेगा। दोस्तों, मकर और कुंभ राशि वालों के शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, भाग्यश होते हैं, तो ओपल के रिजल्ट आपके जीवन में गजब के होने वाले हैं, ठीक है।
मकर और कुंभ दोनों लगन एवं दोनों राशि के जातकों के लिए ओपल राजयोग कारक होता है। अब बात कर लेते हैं ओपल रत्न खरीदते समय किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दोस्त, सबसे पहले तो ओपल आप जब खरीदें तो ओपल ऑस्ट्रेलिया का ही खरीदें, इस बात का ज़्यादा प्रयास करें। मजबूरी है तो अलग बात है, इथोपियन और अमेरिकन और जो ओपल आते हैं उनमें सबसे बेहतर जो रिजल्ट हैं, सबसे बेहतर जो पत्थर होता है ऑस्ट्रेलिया का ओपल होता है। दूसरी बात, ओपल आप जितनी ज़्यादा उसमें फायरिंग होगी फुल जड़ी की तरह, जितना ज़्यादा उसमें चमचम करके चमकेगा उतना ही बेहतर ओपल माना जाता है। ओपल खरीदते समय आप उसमें ध्यान से देखें कि उसमें कोई स्क्रैच टूट फूट तो नहीं है, कहीं नखून तो नहीं रुकता। ऐसे नखून चला करके देख लें, ऐसे नखून चला करके देखें, ऐसे करके कहीं नखून तो नहीं रुकता, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ओपल किस प्रकार पहनना चाहिए। ओपल आपको केवल चांदी की अंगूठी में ही बनवाना चाहिए, अन्य किसी भी धातु में ओपल के रिजल्ट नहीं होते, क्योंकि शुक्र की जो धातु है वह चांदी है। और ओपल आपको शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक किसी भी टाइम धारण करना चाहिए। थोड़ा कच्चा दूध में ओपल की अंगूठी को भिगो दें, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लें और मंत्र पढ़े, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र के साथ साथ ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की भी एक माला जपें, क्योंकि ओपल पहनने से देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है। इसके बाद में गंगा जल में धोकर के अंगूठी को या तो तर्जनी उंगली में या सूर्य की उंगली में आप धारण कर लें, इन दोनों उंगलियों में ये, ठीक है। उसके बाद में सफ़ेद वस्तु का दान ज़रूर करें, चावल है, चीनी है, दूध से बनी हुई खीर है, सफ़ेद कपड़ा है वगैरह वगैरह, चांदी है। गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद को या किसी स्त्री को सफ़ेद वस्तु का दान करें। और फिर शुक्रवार के दिन ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जाप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ओपल पहनने से व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनता है। जो 7 राशियां मैंने बताई उनके लिए तो अमृत है, लेकिन बाकी जो शुक्र से संबंधित जिनके रोजगार हैं उनको भी ओपल पहनना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।